आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा स्टील स्टॉक के बारे में। सभी इस स्टॉक के जो भी न्यूज थे हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर रखा है और आई होप कि आपने सारे वीडियो फॉलो करा है और जितने भी इसके न्यूज हैं आप सभी न्यूज से अवगत हैं। रिसेंट में हमने इस स्टॉक के जो रिसेंट न्यूज देखे, इस कंपनी को अवार्ड मिलते हुए दिखा है। माइनिंग फर्स्ट इंडियन कंपनी था जो रिस्पॉन्सिबल क्रोमियम रिकॉग्नाइजेशन किया गया। इससे पहले हमने देखा कि एनालिस्ट काफी पॉजिटिव हैं और ब्रोकर्स की बाइंग कॉल इस स्टॉक को लेकर के दिख रही है, जबकि मर्जर जो हुआ उसको बहुत कॉस्ट इफेक्टिव माना जा रहा है। इविटा और एक्सपेंड होते हुए दिखेगा, लेकिन जो कंसर्न मैं काफी पहले से कहते आ रहा हूं वो यूरोप का कंसर्न है, क्योंकि इस स्टॉक के 20% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन यूरोप से है और एनर्जी का कॉस्ट जो कंटिन्यू बढ़ रहा है, राइज हो रहा है, वो एक डाउन ट्रेंड का कारण शॉर्ट टर्म का हो सकता है। यहां देखेंगे कि काफी सारे हमने देखा कि रेन जैसे स्टॉक में मोर देन 20% तक का करेक्शन वो भी मैच 5 डेज में ही दिखा, लेकिन चूंकि एक लार्ज कैप स्टॉक है, निफ्टी 50 के स्टॉक है, तो ये थोड़ा सस्टेनेबल डाउन ट्रेंड कंसोलिडेट फॉर्म में दिख रहा है। यहां देखेंगे तो पिछले 1 मंथ से ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहा है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो ये निफ्टी मेटल को आउट परफॉर्म करते हुए दिखा है। इस समय इस स्टॉक के चार्ट को देख करके आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि इस स्टॉक में तब तक एंट्री नहीं लेनी है जब तक मिनिमम ये स्टॉक आपको इस समय प्राइस देखेंगे तो इस समय इस स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है वो अराउंड 98 के नियर अराउंड का चल रहा है। जब तक ये स्टॉक 105 जो कि 20 EMA है उस लेवल को क्रॉस नहीं करता है तब तक के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर इग्नोर करें, इन्वेस्टर बिल्कुल पैनिक नहीं करें, ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अगेन स्टॉक 200 तक का लेवल विद इन मैक्सिमम 2 ईयर के ड्यूरेशन में दिख सकता है, ट्रेडर इग्नोर करेंगे लॉन्ग करने से जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है। 104.5 के ऊपर कैसेल को लगा करके 92 तक के टारगेट डाउनसाइड में ले सकते हैं।